परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त राजवंश। साक्ष्यों के अभाव में परवर्ती गुप्त राजवंश का प्रधान गुप्त राजवंश से क्या संबंध था, यह ज्ञात नहीं है। अवसर अभिलेख जो गया जिला बिहार से प्रकाश में आया है, 8 उत्तरकालीन गुप्त नरेशों के नाम के विषय में सूचना देता है। इन शासकों के नाम हैं कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, माधवगुप्त और आदित्यसेन। इसके अतिरिक्त देव वर्णाक अभिलेख में 3 अन्य परवर्ती गुप्त नरेशों के नाम मिलते हैं, जो हैं देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त द्वितीय। इस प्रकार इन दोनों अभिलेखों को मिलाकर हमें कुल 11 उत्तर गुप्त राजवंश के शासकों के नाम प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है कृष्णगुप्त। पर्वती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। अवसर अभिलेख में इसके लिए केवल नृप की उपाधि मिलती है। दूसरा नरेश हर्षगुप्त हुआ। इसकी बहन हर्षगुप्ता का विवाह मौखरी नरेश आदित्य वर्मा के साथ हुआ था। फलस्वरूप दोनों राजवंशों में नील मित्रता स्थापित की। इसके उपरांत जीवितगुप्त प्रथम परवर्ती गुप्त वंश का तीसरा शासक था। इसके उपरांत कुमारगुप्त इसका उत्तराधिकारी हुआ और सिंहासन पर चौथे शासक के रूप में बैठा। इसी समय जब कुमारगुप्त पर्वती गुप्तों का शासक था, कन्नौज में मौखरी नरेश ईशान वर्मन या ईशान वर्मा राज्य कर रहा था, जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित करते हुए साम्राज्य विस्तार की चेष्टा की। इसके फलस्वरूप कुमारगुप्त और ईशान वर्मन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ईशान वर्मन पराजित हुआ। कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरांत इसका पुत्र पांचवे शासक के रूप में दामोदरगुप्त उत्तरगुप्त राजवंश के सिंहासन पर बैठा और मौखरी सिंहासन पर उसी समय सर्व वर्मा आसीन हुआ। दामोदर गुप्त और सर्व वर्मा के बीच भी युद्ध हुआ, जिसमें दामोदर गुप्त मारा गया और पर्वती गुप्तों के राज्य के कुछ भागों पर मौखरी शासक का अधिकार हो गया। उत्तरगुप्त राजवंश में छठे शासक के रूप में महासेन गुप्त, जो दामोदर गुप्त का पुत्र था, उसने सिंहासन ग्रहण किया। इसकी बहन महासेन गुप्ता का विवाह थानेश्वर के राजा आदित्य वर्धन के साथ हुआ था। अतः उत्तर गुप्त राजवंश और वर्धन वंश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना कामरूप के राजा सुस्थित वर्मा के साथ युद्ध था, जिसमें कामरूप का शासक सुस्थित वर्मा पराजित हुआ था। सातवें शासक के रूप में पर्वती गुप्तों में माधव गुप्त ने राजभार ग्रहण किया, जो महासेन गुप्त का पुत्र था और थानेश्वर के राज दरबार में रहता था। इसका शासन मगध के ऊपर था। अवसर अभिलेख के ऊपर के आधार पर आठवां शासक आदित्य सेन हुआ, जो माधव गुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। आदित्य सेन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। बिहार से इसके कई अभिलेख प्राप्त होते हैं। इन लेखों के प्राप्ति स्थानों से विद्वानों का मानना है कि इसके राज्य में अंग, मगध और बंगाल के क्षेत्र सम्मिलित थे। पूर्वी बंगाल से सोने के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर घोड़े के सिर का अंकन है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आदित्य सेन की मुद्रा है। आदित्य सेन को अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है। आदित्य सेन के उपरांत देवगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त द्वितीय का नाम प्राप्त होता है, जो देव वर्णाक अभिलेख में उल्लिखित है। कन्नौज के राजा यशोवर्मा ने जीवितगुप्त द्वितीय को पराजित किया और इसके साथ ही पर्वती गुप्त राजवंश का अंत हो गया।